हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज एक नया प्रसंग आपके सामने लेके आई हूँ। आप सभी को पता होगा कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी जी का विग्रह है वो बांके रूप में स्थित है। बांके मतलब तीन कोणों वाले, तीन कोणों की स्थिति में है, बांके रूप में है, तो इसलिए उनको जो है बांके बिहारी का नाम दिया गया। बांके बिहारी की संज्ञा दी गई प्रभु को, मेरे ठाकुर जी को। तो आपको बताना चाहूंगी कि बांके बिहारी जी की ये विग्रह कहाँ से आई, कैसे आई, कौन लेके आया। आपको पता होगा कि हमारे बीच एक बहुत बड़े महासंत रहे थे, संत हरिदास जी, जो निधिवन में बैठकर हमारे ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहा करते थे। घंटों घंटों तक उनका स्मरण किया करते थे, वाचन किया करते थे, गायन किया करते थे। और जब वो इतने लीन हो जाते तो कई बार वो इतने ऐसे सुंदर भजन गाते थे कि ठाकुर जी खुद आते थे, श्री राधा जी आती थी, और उनके गायन से, उनके गायन पर जो है कई बार वो नृत्य भी किया करते थे। मतलब ठाकुर जी इतने खुश रहा करते थे हरिदास जी के साथ कि बहुत ज़्यादा। तो एक बार ठाकुर जी जो है बहुत प्रसन्न हुए उनके गायन से, उनके भजन से। तो उन्होंने क्या किया कि जो है विग्रह रूप में श्री राधा रानी जी और ठाकुर जी आए, दोनों उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए। तो हरिदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ठाकुर जी, मैं आपको तो जैसे तैसे करके कहीं से भी लंगोट पहना दिया करूँगा, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन माता जी को मैं कहाँ से गहने ला कर दूंगा, माता जी को कहाँ से मैं श्रृंगार करूंगा, माता जी का मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं, आपको तो मेरा पता ही है। तो ठाकुर जी ने उनकी बात को सुना और दोनों जो है विग्रह एक विग्रह के रूप में समाहित होकर, दोनों विग्रह जो थे, दोनों मूर्तियां जो थी वो एक स्वरूप में आ गई, और वो भी बांके रूप में। हरिदास जी ने नमन किया और माथे से लगाया कि ठाकुर जी आपकी जय हो। तो ये वही विग्रह है जो वृंदावन में पूजे जाते हैं। ये हरिदास जी हमारे जो हैं उनको लेकर आए थे विग्रह रूप को, रूप रूप में। तो हमारे ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, और जो भी सच्चे मन से मनोकामना लेके जाता है सभी की मनोकामनाएं वहाँ पूरी होती हैं, पूर्ण होती हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हमारे ठाकुर जी वृंदावन की रज रज में, कण कण में, बेल बूटों में, पत्तियों में, सब में समाहित हैं। जब भी आप वृंदावन जाएं, सबसे पहले वृंदावन की रज को अपने माथे पे लगाएं, उसके बाद जो वहाँ के वृक्ष हैं, लताएं हैं, बेल बूटे हैं, उनकी हवा है, सभी को प्रणाम करें और उसके बाद दर्शन करें, यमुना जी को प्रणाम करें, यमुना जी में जाके स्नान करें, उसके तो छीटा लें, पूजा करें। तो ये चीज़ें काफ़ी हमारे जीवन में बहुत मायने करती हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन अगर एक नियम बना लेंगे तो हमसे वो नियम कभी छूटेगा नहीं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही कहती है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो एक नए प्रसंग लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक आज्ञा दें। हरे कृष्णा दोस्तों, खुश रहें, धन्यवाद।